हेलो दोस्तों, मेरा विषय नहीं, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 50 पदों पर भर्ती होने, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। तो कैसे आप इस आवेदन को भरेंगे उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com और ये पोस्ट है BECIL DEO रिक्रूटमेंट 2018-19। हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com, वहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, जिसमें आप आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2018। इसके एडमिट कार्ड और रिजल्ट के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, कैसे आप अपना एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 50 है। डाटा ऑपरेटर एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ग्रेजुएशन डिग्री एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। उसके बाद आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। रिलैक्सेशन जो दी जाएगा एज में वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो नेम्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो आपको पे करनी है दोस्तों, जनरल ओबीसी वाले के लिए 500 रुपये, SC ST PWD के लिए 250 रुपये फीस इनको पे करनी होगी। और ये फीस आप जो है वो कैश और कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं। उसके बाद पर मंथ जो सैलरी इसमें दी जाएगी 17,498 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपको दी जाएगी। बात करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, आप इस लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ इस लिंक पर डाउनलोड करना है और ये जो पोस्टल एड्रेस हमने दिया हुआ है इस पोस्टल एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है अपना जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करने के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो फॉर्म है इसको आपको फिल करना होगा दोस्तों, और फिल करके आपको जो पोस्टल एड्रेस बताया है उस पोस्टल एड्रेस पे आपको भेज देना होगा। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो लिंक है इस लिंक पर आपको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट लेके आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।